पूरी अंदर की चीजें स्पष्ट पारदर्शी आपको नजर आ रही होगी। काफी क्लियर हो चुकी पवित्र हमारा गंगा भी, बिल्कुल नीली नीली सी धारा देख रहे। लगभग 2-3 फीट नीचे चीजें आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी, देख रहे सफेद सफेद सा, वो क्या है मैं आपको वीडियो को लास्ट टाइम बताऊंगा क्या है और दिखाऊंगा भी नीचे से कि क्या है वो। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे, पवित्र माँ गंगा के दर्शन आप कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब आज दोपहर का ही दृश्य आप देख रहे हैं, देख रहे हैं गंगा जी की धारा कितनी तेज है और माता जी अभी भी स्वेटर पहने हुए, गर्म कपड़े पहने हुए, यानी ठंडी अब तेज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अभी हम खड़े हुए हैं हर की पैड़ी से लगभग 700 मीटर दूर, हर की पैड़ी नहीं पहुँची है, भीड़ अभी आपको धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगा। हर की पैड़ी में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आज देखने को मिलेगा, देख रहे हैं पूरे कोहरा से ढका हुआ है, धुआं आपको नजर आ रहा होगा, सामने की जो पहाड़ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है क्लियर, इतनी ज़्यादा आज कोहरा छाया हुआ है। चलते हैं अभी आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे हरिद्वार यात्रा से जुड़ी। हरिद्वार में अभी जो भीड़ है बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली हो रही है सुबह शाम, खासतौर पर आरती के समय, क्योंकि आरती के समय जितने दिन में लोग स्नान किए होते हैं पूरे दिन भर के, वो शाम को एकत्रित होते हैं और भीड़ बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली होती है। आज हम वो भी दिखाएंगे कि आपको शाम को किस तरह से भीड़ का सामना करना पड़ेगा, आरती के दर्शन आप अगर करना चाह रहे हैं तो कितने घंटे पहले आपको आके पहले अपने स्थान ग्रहण करनी होगी, तब जाके आपको भीड़ से भी आप बच जाएंगे और आपको गंगा जी की आरती के भी दर्शन अच्छे से होने वाले हैं। अभी देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल अभी हम जाएंगे हर की पैड़ी में भी देखिएगा आप। हरिद्वार की प्लानिंग करते समय आपको बस दो चीज़ का ध्यान रखना है, पहले तो भीड़ से बचने की बिल्कुल टेक्निक होनी चाहिए, और टेक्निक यही है कि भीड़ जैसे कि सुबह आदम सुबह ही होता है भीड़, 8-9 बजे तक भीड़ होता है, उसके बाद भीड़ कम होने लगता है। तो अगर आप बच्चे बुजुर्ग लेके आ रहे हैं तो अभी सुबह सुबह ठंडी भी लग रहा है, तो आप 9 बजे के आसपास स्नान करें फिर अपनी यात्रा करें, मनसा देवी चंडी देवी हर की पैड़ी के आसपास जितने भी मंदिर है वो आप दर्शन करें। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे होटल धर्मशाला के नंबर भी दे देंगे जिसमें आप हर की पैड़ी के पास होगा वो होटल, और मनसा देवी की पैदल यात्रा से जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर होगा, सारे छोटे बड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देख रहे हैं पवित्र माँ गंगा की धारा, देखें बिल्कुल शीतल है, पारदर्शी है, नीचे रखी हुई हर एक चीज़ को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा आज पारदर्शी हो चुकी है, और दोपहर में काफ़ी क्लियर आज दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोग आज स्नान करने के लिए आए हुए हैं, और गंगा जी की धारा जो क्लियर पारदर्शी अब आपको मार्च तक ऐसे ही नज़र आएगा, मार्च यानी लगभग अब 6 महीने की बात करें क्योंकि 1 महीना पहले से ही क्लियर होना शुरू हो चुका था, आज अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तो आराम से आपको 4-5 महीने ऐसे ही जल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये हम शिव ब्रिज में आ चुके हैं और शिव ब्रिज में आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। अभी थोड़ा से जाएंगे हर की पैड़ी में आपको दृश्य दिखाएंगे नई घाट का, और नई घाट के बाद हर की पैड़ी हम जाएंगे। छोटे बच्चे बुजुर्ग देख रहे हैं अभी भी काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और गर्म कपड़े पूरे दिन लोग पहनते हैं, अगर आप छाँव में रहेंगे तो आपको ठंडी लगेगी, अगर आप धूप में आएंगे तो गर्मी लगेगी, इस तरह का भी सिचुएशन है, लेकिन 4-5 दिन आने वाले 4-5 दिन में आपको अच्छी खासी ठंडी यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग अपने लगेज लेके ही भ्रमण करते रहते हैं, लॉकर रूम की सुविधा होती है, 20-30 रुपये पर बैग लेते हैं। हर की पैड़ी के पास नई घाट में एक लॉकर रूम है, हर की पैड़ी से थोड़ा बाहर गरो लगेज है जहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा लॉकर की सुविधा, आप वहाँ पे रख के अपनी यात्रा अच्छे से कर सकते हैं। देख रहे हैं नीली नीली पारदर्शी जल, देख रहे हैं छठ पूजा का जो कार्यक्रम है वो अभी चली रहा है, छठ पूजा में लोगों की संख्या बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली होती है, छठ पूजा के दौरान लोगों की जो भीड़ है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि छठ पूजा करने वाले लोग और गंगा जी की आरती के दौरान जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, दोनों ही भीड़ वहां पे देखने को मिल रहा है आज। अभी हम आ चुके हैं नई घाट पे, देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की संख्या दोनों ही किनारे पे, अभी आपको थोड़ा कम भीड़ नजर आ रहा होगा, ऐसे भीड़ ज्यादा तो नहीं है, नहीं कम है, बिल्कुल मीडियम भीड़ है, लेकिन अभी कुछ घंटों पे देखेंगे आप
पैर रखना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, वो भी हम दृश्य दिखाएंगे वीडियो के अंत तक। ऐसे हमने एक क्लिप छोटा सा सामने लगा दिया था, वो क्लिप लास्ट हमें आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भीड़ वाली। अगर होटल धर्मशाला की बुकिंग करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज हैं आप कि हर की पैड़ी के पास होटल धर्मशाला लें या फिर मनसा देवी के आसपास जो जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होता है या फिर रेलवे स्टेशन के पास, तो आप अगर पैदल आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो ट्रेन से आने के बाद पैदल आपको आना पड़ेगा 2 किलोमीटर, तो आप मनसा देवी के आसपास ले सकते हैं। बजट अगर कम है तो, अगर बजट अच्छा है, ज़्यादा है, तो आप हर की पैड़ी के पास होटल काफ़ी सारे बने हैं जो कि 800 से 1500 के बीच आपको मिल जाएंगे। अगर वहीं पे दो धर्मशाला भी है हर की पैड़ी के पास, सुख नारायण और बरनाला धर्मशाला, ये काफ़ी अच्छे धर्मशाला हैं जहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। पैसे आपको भीड़ के अनुसार कम या ज़्यादा होते रहते हैं। नंबर हम आपको दे देंगे, आप पूछ सकते हैं। देख रहे हैं अभी हम नई घाट के दूसरे किनारे पे हैं, कितनी ज़्यादा देख रहे हैं, तेज है पवित्र माँ गंगा की धारा और काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी भी। काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं पॉलीथीन वगैरह बांध के फेंक देते हैं और बच्चे की देख रहे हैं किस तरह से स्नान करवा रहे हैं, बहुत तेज जल की धारा है यहाँ पे, तो सावधानीपूर्वक स्नान करें और करवाएं बच्चों को। खासतौर पर इस किनारे पे स्नान कर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये नई घाट और हर की पैड़ी वाली एरिया है, इस किनारे पे आपको ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा स्नान करते वक्त, उस किनारे पे ज़्यादा खतरा है क्योंकि बिल्कुल तेज वाली धारा है वहाँ पे और स्नान करते वक्त बहने की संभावना ज़्यादा होती है। देख रहे हैं छठ पूजा के लिए लोगों की संख्या दूर दूर से आती है यहाँ पे और काफ़ी सारे लोग अपनी बैग वगैरह लेके आए हैं, पूरे सामान बैग काफ़ी, क्योंकि अब सर्दी का सीजन भी आ चुका है तो उसके अनुसार सारी प्लानिंग करके आए हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे तैयारी भी आपको चलती हुई नज़र आएगी, देख रहे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे तैयारी अपना कर रहे हैं। धनुष ब्रिज क्रॉस करते ही हम हर की पैड़ी में प्रवेश करेंगे और हर की पैड़ी में प्रवेश करते ही भीड़ आपको थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आएगा। ये देख रहे हैं ये पूरी तैयारी करने वाले हैं, देख रहे हैं कितनी बड़े बड़े बैग लेके आए हैं, पूरी बोरी वगैरह लेके आए हैं, ये जो पूरे घाट है भरे हुए हैं। अब जो गंगा जी की आरती के लिए लोग आएंगे वो थोड़ा दूर बैठेंगे, तो खैर इनकी जो पूजा पाठ है वो जल्दी हो जाता है। देख रहे हैं पूरी बैग पूरा लेके आए हुए हैं, काफ़ी जल्दी ही आके अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण कर लेते हैं, पूरा लाइन आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं इधर भी, इधर थोड़ा कम है क्योंकि इधर गंगा जी की आरती के लिए लोग बैठते हैं, लेकिन ब्रह्मकुंड की ओर एक भी नहीं है, उधर केवल नॉर्मल लोग ही बैठेंगे। देख रहे हैं पूरे लोग बैठ चुके हैं, अपने अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, इस तरह का दृश्य है। और यही दृश्य अभी आधा एक घंटे बाद अभी देखेंगे, वीडियो में बने रहे, लेकिन वीडियो आधा एक घंटे का नहीं जाएगा, हम आपको 2 मिनट में वहाँ तक पहुँचा देंगे। भीड़ बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक होने वाली है, अभी आपको नज़र आ रहा है कि लगभग नॉर्मल है दृश्य। टाइम देखिए 2:40 अभी 40 मिनट हुए हैं, एग्जैक्ट 2:40 हुए हैं और आरती होगी 5:45 में। देख रहे हैं ये पूरे छठ पूजा वाले अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब आप देख रहे हैं 5 बजे का दृश्य, देख रहे हैं सामने का जो इच्छा हिस्सा है वो पूरे भरे हुए बैठे हुए लोग आरती ग्रहण करने के लिए, अब चलना मुश्किल है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे अभी हो रखा है। देख रहे हैं किस तरह से बच्चे बुजुर्ग चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे से इस तरह का सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है, भीड़ बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है अभी। अभी तो खैर छठ पूजा वाले भी हैं इसमें, लेकिन भीड़ तो डेली होता है, अगर छठ पूजा वाले नए भी होते तो भीड़ यहाँ पे होता है आरती के समय, तो ये ज़रूर ध्यान रखें आप। और किस तरह से देख रहे हैं छठ पूजा का कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, बिल्कुल ढोल बाजा के साथ काफ़ी आनंदपूर्वक। देख रहे हैं कुछ देर पहले ये वाली जो घाट है आपको हमने टाइम दिखाया था 2:40 हुए, अभी 5:10 हुए हैं लगभग। देख रहे टाइम देखें, घड़ी वही है, जगह वही है, बस यहाँ पे भीड़ बढ़ चुका है, बस कुछ ही मिनटों का कुछ ही घंटों का आरफ फर्क था समय का।